नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में। आइए बात करते हैं वीकेंड के बाद मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट में हमारा आज का व्यू क्या था, मार्केट में हमें कैसे रिएक्शन मिले। दोस्तों, कल बहुत स्ट्रिंजेंट यानी स्टैग्नेंट लेवल दी थी हमने, ठीक है, और मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, लेकिन क्या किया, मार्केट वही के वही रिवॉल्व करता रहा। और लेवल के पास से ही, जैसे हमने कहा था कि 37,600 के पास हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर मैं इसको आपको शॉर्ट टर्म में दिखाऊँ। लेकिन क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर जो हमने कल कहा था, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी या फिर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी कैसे देखना है। इसके लिए अगर आपको कुछ समझना है तो आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा, एक सबसे पहली बात, आप मेरे साथ 2 मंथ के लिए आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। दूसरी बात, आप जो भी कॉल लोगे उसमें आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि वो पूरे ट्राई एंड टेस्टेड एंड लॉजिकल के साथ रहेंगे, जिसमें आपको रिस्क छोटा एंड साथ में रिवॉर्ड बड़ा रहेगा। एंड थर्ड थिंग, जो भी आपको सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जब अपनी पोजीशन बनाओगे, मान के चलो अगर आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी में आपके आपने माइंडसेट बना लिया है एंड मार्केट अगर बढ़ भी रहा है, तो भी आपको पता है कि एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल देखनी है, और वहाँ से फिर आपको स्टॉप लॉस जो रहता है वो बहुत छोटे पॉइंट्स का मिलता है। मतलब जब आप वहाँ पे बैठते हो तो आपको टारगेट के पॉइंट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहता है वो आपको बहुत छोटा रहता है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल कैसे जानी चाहिए वो आपको क्लासेस में सिखाया जाता है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और कंसिस्टेंसी की लेवल मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ ही मार्केट हमेशा हमारे लेवल को फॉलो करता है। क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन क्या कहा था हमने कि 37,600 के पास से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और क्लोजिंग कहा दी है उन्होंने आपके सामने है 37,490 के पास। तो यही होता है इंपॉर्टेंस कि आपकी साइकोलॉजिकल अगर स्ट्रांग है तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल बना सकते हैं। और साथ में मैं और एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, हमारे एक सर है जिन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया, और जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आज डिसेंट प्रॉफिट बुक किया हुआ है। उनमें से नलिन सर जिन्होंने आज 3 लाख का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, एंड अनिल सर जिन्होंने 9,000 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मार्केट पहले स्टैग्नेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आपके पास साइकोलॉजी होती है तो आप उस साइकोलॉजी के साथ काम करते हुए प्रॉफिट बुक करते चलते हैं, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं हमारी अगली जर्नी, यानी मंडे के लिए हमारा लेवल क्या रहेगा। मंडे के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, जो इसका जो हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जब तक ये ब्रेक नहीं करता, ठीक है, यानी कि 37,750 का। साथ में इसका जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट हमारा फिर से वही बरकरार रहेगा जो इनका गैप डाउन के पास रहेगा, 36,800 के पास। ये मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये गैप फिल करने आता है तो यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। इसलिए ये गैप का हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है 36,800 के पास। दूसरी बात, निफ्टी में भी लेवल यहाँ पर देखो, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन हमें क्या कहा था कि 17,120 के पास हमें वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो क्या हुआ, देखिए गैप अप ओपन हुआ लेकिन वापस मार्केट नीचे, ठीक है। आखिर में कोशिश की, बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन जो पूरे दिन भर आपको मोमेंटम मिलता रहा सेल ऑन राइज के हिसाब से, आपने निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बुक किया होगा, आई एम डैम श्योर उसके लिए। सो ये इंपॉर्टेंस लेवल जो मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करता हूँ, अपने टर्मिनल पे भी इसे नोट डाउन करते हुए चलिए। तो निफ्टी के लिए हमारे जो लेवल्स हैं वो सेम बरकरार रहेगी यहाँ पे। हाँ, रेजिस्टेंस हमारी चेंजेस है जो कि 17,300 के पास है। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, आप मेरे साथ अपने टर्मिनल पे ड्रॉ कर लीजिएगा 17,300। एंड जो सपोर्ट रहेगा वो साइकोलॉजिकल लेवल 17,000 के पास रहेगा अभी, यानी ये यहाँ पे। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं पे भी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रहेगा वो हमारा 16,950 का रहेगा, यहाँ पे रहेगा 17,340 का। यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करिए और यहाँ पे बाइंग की। इस मार्केट में इसके दौरान आपको अगर देखना है तो आप स्ट्रांग सेलिंग और राइज की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। एट द सेम टाइम जैसे लाइव मार्केट में हमें मोमेंटम मिलती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता ही हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो ये जो कंसिस्टेंसी वाले अगर आपको ग्रुप देख रहे हो तो शुभ स्टॉक इज द आंसर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड। एंड और भी नए वीडियो के साथ हम कल परसों जरूर आएंगे। सो स्टे ट्यून, और जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग।